आईपीएल शुरू होने जा रहा है और उससे पहले ही विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वह T20 वर्ल्ड कप होने तक कप्तान बने रहेंगे। विराट के बाद कप्तान कौन होगा? इस सवाल के जवाब में रोहित शर्मा का नाम सबसे आगे है, यानी T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा का नाम बतौर कप्तान लगभग तय माना जा रहा है। अब अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच कप्तानी को लेकर चर्चा हो रही है, दोनों के संबंधों को लेकर चर्चा होना लाजमी है। आजकल सोशल मीडिया पर इस बात पर चर्चा चल रही है कि दोनों के एक दूसरे की पत्नियों से कैसे संबंध रहे हैं। हद तो ये है कि कुछ साल पहले रोहित शर्मा का नाम विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा से जोड़ दिया गया था। हालांकि दोनों के बीच कोई बात सामने तो नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम मीम बन गए थे। अनुष्का और रोहित का नाम तब भी चर्चा में आया था जब अनुष्का और विराट की शादी हुई थी। उसके कुछ दिन बाद रोहित शर्मा ने वनडे मैच में अपनी तीसरी डबल सेंचुरी लगाई थी। इसके बाद ट्विटर पर रोहित शर्मा ने विराट और अनुष्का को बधाई देते हुए लिखा था, आप दोनों को मुबारक हो, मैं कोहली के साथ हस्बैंड बुक शेयर करूंगा। अनुष्का अपना सरनेम चेंज मत करना, इस मैसेज की काफी चर्चा हुई थी। दरअसल मुबारकबाद तक तो ठीक था, लेकिन सरनेम नहीं बदलने वाली बात लोगों के गले नहीं उतरी। लोगों ने ये कनेक्शन भी जोड़ा कि रोहित भी शर्मा है और अनुष्का भी शर्मा है। हालांकि इस ट्वीट का काफी समय तक अनुष्का ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में पारी की मुबारकबाद देते हुए लिखा, हा हा हा, थैंक्स रोहित और तुम्हारी शानदार पारी के लिए मुबारकबाद। इस जवाब में भी अनुष्का ने सरनेम वाली बात पर कुछ नहीं कहा, तो सोशल मीडिया वालों को मसाला मिल ही गया। हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता है। विराट और रोहित की पत्नी रितिका सचदेव का नाम भी एक बार जुड़ चुका है। दरअसल साल 2013 में विराट कोहली एक लड़की के साथ मूवी डेट करते हुए कैप्चर हुए थे। फोटोग्राफर ने तब फोटो भी ली, लेकिन उस लड़की ने अखबार से अपना चेहरा छुपा लिया। एक अखबार एशियन एज और क्रिक एडिक्टर जैसी साइटों ने बाद में दावा किया कि यह लड़की रितिका सचदेव ही थी। तब रितिका एक अनजाना नाम था। हालांकि बाद में इस खबर की पुष्टि तो नहीं हुई कि वह लड़की कौन थी, लेकिन दावा यह भी किया गया कि रितिका विराट की स्पोर्ट्स टैलेंट मैनेजर थी। दरअसल विराट और रितिका की मुलाकात साल 2010 में आईपीएल के दौरान हुई थी। तब विराट के ब्रांड प्रमोशन और बाकी मैनेजमेंट का काम रितिका ही देखती थी। अब विराट के कप्तानी छोड़ने के बाद पुरानी चर्चाओं को हवा मिल रही है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप किन किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपकी पसंद के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल NN स्पोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।